हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे। इसको एक बार दोबारा देखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों मिलके रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं। हम नीचे यहाँ पर रिएक्शन भी दी हुई है, ये देखो NaOH क्या हो गया, यहाँ से साल्ट हो गया। और ये रिएक्शन किसके सॉरी बेस हो गया, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से क्या बना रहा है, एक तो NaCl बना रहा है और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, मतलब है सोडियम क्लोराइड बना रहा है साल्ट, और प्लस क्या हो रहा है वाटर। जैसे हमारे घरों में क्या होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या होगा, पेट में जलन सी हो जाती है, गले में जलन सी हो जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, उनको बेस दिया जाता है। ठीक है, बेस दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं ना, जो साल्ट होते हैं, वो उनको दिए जाते हैं, उस प्रकार उनको क्या मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। किसकी रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जो मेटल हो क्या होगी, सोडियम, उसके साथ क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, हम सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर के साथ हमने क्या लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, कॉपर की ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ से देखो कॉपर, और यहाँ से क्या बन जाएगा, क्लोरीन, तो कॉपर क्लोराइड बन रहा है, साथ के साथ क्या रहा है, और वाटर रिलीज हो रहा है। जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बनेगा, और साथ के साथ क्या बनेगा, H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो वो दिखाई देगा अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर्स, जो उसका जो कलर होगा, ग्रीन कलर होगा सॉल्यूशन का, वो किसके कारण होगा, फॉर्मेशन क्या बनगी, कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से शो करेगा। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, नेचुरल, बिकॉज दे गिव साल्ट एंड दे, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर आओ, चलो देखो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये क्या है, एसिड है, एसिड मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या है, एसिड है, क्या बना रहे हैं, कॉपर क्लोराइड, मतलब, और H2O, मतलब ये क्या होता है, क्या होता है, साल्ट होता है। ठीक है, साल्ट होता है, इसका मतलब, या ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ये एसिड हो गया, क्योंकि एसिड और बेस सॉरी बेस हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे दोबारा देखो, ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, बेस नेचर का हो गया। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करके तभी तो ये साल्ट और वाटर रिलीज कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके क्या, बेस के साथ क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर क्या करेंगे, साल्ट और वाटर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड सेट टू बी एसिडिक इन ए वे, वो सेम पीछे वाली बात है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आ जाओ, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होता है, जब एसिड और बेस को किस में डाला जाता है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है, जब एसिड है ना, HCl हो गया, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर देखो, एच पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं रह सकते हैं, इट एग्जिस्ट एज एच प्लस और H3O, हाइड्रोनियम, मतलब क्या करेगा ये, जो H2O के साथ एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसी के साथ अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन से बन जाएगा। ये देखो नीचे रिएक्शन भी दी गई है, ये देखो हाइड्रोजन है, और किसके साथ, मतलब मिलके वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन यहाँ से बना रहा है। बेस प्रोवाइड ओ एच आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपको पता है जब वाटर सॉल्यूशन में
क्या बेस बेस को डालते हैं तो क्या बन रहा है, एक तो सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 के साथ क्या ये बन रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, मतलब क्या है कि मतलब वो कोई एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बारे में हमें देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर वो कितने आयन ज़्यादा रिलीज कर रहा है, जैसे एसिड क्या करता है वाटर सॉल्यूशन में एच प्लस आयन रिलीज करता है ना, अगर वो ज़्यादा रिलीज करता है ना एच प्लस आयन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कम रिलीज कर रहा है तो कम में ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कम रिलीज कर रहा है तो क्या हुआ है वीक एसिड है। वैसे ही बेस में होता है, अगर बेस ज़्यादा ओ एच माइनस रिलीज आयन्स रिलीज करेगा तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और कम करेगा तो वीक बेस। ठीक है, एक पीएच स्केल होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं इसको मापते हैं कि मतलब इसमें कितना एसिड है कितना बेस है, वो इनकी रेंज बता देता है। पीएच स्केल क्या होता है, यहाँ पर दिया भी होगा, हाँ ये देखो पीएच स्केल क्या होता है, ये है ना 0 से इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक, मैं चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस टाइप का होता है, ये होता है इस प्रकार से, ठीक है स्केल होता है, यहाँ से क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार क्या होती है इसकी रेंज लाई करती है। ठीक है, जो हमारा जो 0 पर होता है मतलब 0 से लेकर 14 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, और जो जैसे ही 7 से नीचे आएंगे ना, जैसे ही हम क्या आए 7 से नीचे आएंगे, जिसकी रेंज 7 को ये एसिड है, अगर उस अगर 7 से जो नीचे आएगी ना वो तो क्या होगा एसिड, जो 7 से ऊपर जाएगा जैसे 8 9 10 वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, और 7 पर क्या रहेगा नेट न्यूट्रल, ठीक है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, 0 पे क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है उसमें एसिड होता है, और 14 पे क्या होता है, 14 पे क्या होता है वो बहुत ज्यादा बेस्टिक होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, और 7 पे क्या होता है वो न्यूट्रल होता है, वाटर इज ए न्यूट्रल। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये देखो इनके कलर भी बताता है, कलर जैसे कलर्स के हिसाब से क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं इसकी वैल्यू, जैसे ये हो गया सीरियल नंबर, ये क्या हो गया पीएच वैल्यू, जैसे 4 पर क्या होता है 0 पर क्या होता है जो पीएच स्केल होता है, पीएच जो पेपर होता है उस जो 0 पे होता है वो डार्क रेड होता है। ठीक है, और नेचर क्या होता है उसका हाईली एसिडिक, जो पेपर होता है पेपर के ऊपर जो 0 होता है ना 0 से 14 जो 0 पे होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और उसका कलर कैसा होता है डार्क रेड, गहरा लाल। 4 पर क्या होता है उसका कलर ऑरेंज और येलो, ठीक है, किस प्रकार का होता है ऑरेंज टाइप का और येलो टाइप का, 4 पर 4 के अराउंड होता है, 4 के ऊपर नीचे थोड़ा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है सॉल्यूशन का एसिडिक होता है, जो 7 पर होता है ना जो न्यूट्रल होता है वहां पर क्या होता है उसका कलर जो पीएच पेपर होता है उसका ग्रीन होता है। ठीक है, और 10 पर क्या होता है ब्लूइश ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और एल्कलाइन मतलब एसिडिक हो जाएगा। 14 पर क्या होता है देखो डार्क ब्लू गहरा नीला, ठीक है, वायलेट बैंगनी, और क्या होता है वेरी एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, बहुत ही एसिडिक होता है, जैसे देखो हमारे यहाँ पर दिए हैं स्ट्रोंग एसिड
गिव राइज टू मोर एच प्लस आयन, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए क्या करेंगे, वाटर सॉल्यूशन में अगर हम उसको डालेंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा एसिड ज्यादा एच पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, वो रिलीज करने लग जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, एच सी एल हो गया, दूसरा क्या हो गया एच टू एस ओ फोर हो गया, तो तीसरा क्या हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए एसिड्स हो गए। वीक एसिड में क्या होता है, वीक ये स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्यों है, सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं मोर एच प्लस आयन क्या करते हैं रिलीज करते हैं। वीक एसिड क्या करते हैं, वीक एसिड गिव राइज टू लेस एच पॉजिटिव आयन, कम मात्रा में ये आयन्स क्या करते हैं रिलीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया कार्बोनिक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, सी एच थ्री सी डब्लू एच ये देखो, और ये क्या हो गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, ये क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस गिव राइज टू मोर ओ एच आयन्स। ठीक है, ज्यादा आयन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 14 होती है, बहुत ज्यादा के बेसिक होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे क्या हैं बेस हैं, क्या करते हैं मोर ओ एच आयन्स रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर। अगला हमारा वीक बेस, वीक बेस क्या होता है गिव राइज टू लेस ओ एच आयन्स, क्या करेंगे कम मात्रा में ओ एच आयन्स हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज, ओ एच आयन रिलीज करेंगे कम मात्रा में। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे देखो ये हमारे कुछ साल्ट हैं, जैसे क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, हमारे क्या है साल्ट है। आगे देखो, हाँ हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें पीएच की, पीएच इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी पीएच होती है, जो पीएच वैल्यू होती है उसका हमारी लाइफ में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है उसका देखेंगे हम। क्या करता है, जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो हमारा जो ये स्टोमच एग्नास्य है, जो हमारा सिक्स चैप्टर आएगा उसमें इस पूरी डिटेल में बताऊँ क्या करता है, एच सी एल रिलीज करता है। वो एच सी एल क्या करेगा, वो एच जो रिलीज होता है ना, जो एच सी एल रिलीज होता है वो क्या करता है, जो हमारी जो जो हमारी जो स्टोमच की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों से है ना, अगर वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा तो दीवारों से टकरा के क्या करने लग जाएगा, तो अगर मोर ज़्यादा मात्रा में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या होता है कि हमारा जो स्टोमच है क्या करता है एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर वो एसिड प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे इस पेट के अंदर क्या बनने लग जाएगी, एसिडिटी बनने लग जाएगी। ठीक है, एसिड की इम्पोर्टेंस ये होगी हमारे शरीर में एक तो। ठीक है, और इसको ना उसको दूर करने के लिए क्या दिए जाते हैं, एंटा एसिड दिया जाता है। ठीक है, उसके विपरीत मतलब बेस दिया जाता है। ठीक है, क्या करेगा अगर ज्यादा मात्रा में एसिड रिलीज होगा तो स्टोमच में क्या हो जाएगी जलन हो जाएगी, गले में क्या हो जाएगी जलन हो जाएगी, उसको दूर करने के लिए क्या दिए जाते हैं एसिड्स दिए जाते हैं, सॉरी बेस दिए जाते हैं। अगला देखो हमारे टॉपिक भी आता है एसिडिक रेन, एसिडिक रेन क्या होता है, जब वाटर लेवल है ना उसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे आ जाती है तो क्या हो जाएगी वो एसिडिक रेन हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी, और उससे क्या होगा जो वो पानी बह के नदियों में जाएगा तो क्या होगा, जो जो नदियों में जो रिवर्स होते हैं उनमें जो मछली वगैरह होती हैं, जो उनके जो जीव होते हैं उनके लिए क्या होता है वो हानिकारक होता है, उनसे क्या होता है वो उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, या देखो पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, किससे 5.6 से नीचे हो जाएगी तो क्या हो जाएगी एसिडिक रेन हो जाएगी, और दिस एडिक जो ये नदियों में बहती है और उनको क्या कर देती है एसिडिक बना देती है, और क्या काज होता है मतलब जो एक्वेटिक जो लाइफ होती है ना, जो जल 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 में जीते हैं उनके लिए क्या होती है मुसीबत का कारण बन जाती है। ठीक है, और जो हमारे जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं ना वो एक फिक्स पीएच स्केल के ऊपर ही, मतलब फिक्स पीएच वैल्यू होती है उसी के ऊपर क्या करते हैं बढ़ते हैं, अगर उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो भी मतलब पेड़ पौधों के लिए क्या होगा नुकसानदायक होगा, और कम जाएगी तो भी क्या होगा नुकसानदायक होगा। इसके लिए क्या करते हैं
जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम जो हमारे खेतों में DAP, वो मतलब उसमें जमीन में हम बोते हैं,